हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्युत। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी ऐसे फैशन रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। टुडेज़ वीडियो आई वन ऑफ शोथ विथ यू अमती यूनिवर्सिटी कोलकाता। तो आज मैं आप लोगों के सामने अमती यूनिवर्सिटी को दिखाने वाला हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ अमती यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है कोलकाता में। तो अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं, मैंने 5:30 बजे तक उठ गया था, बहुत सुबह मुझे उठना पड़ा। अभी तक मैं हाल ही में ही मुझे फ़्रेश होना पड़ा, तो मैं अभी तक फ़्रेश हुआ हूँ और मुझे रेडी होकर अब कॉलेज जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे स्टेशन पर जाना होगा, स्टेशन से लेने के बाद मुझे मेट्रो पकड़ना पड़ेगा एंड देन मैं अमती यूनिवर्सिटी जाऊँगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग अगर अमती यूनिवर्सिटी का टूर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली वीडियो के साथ बने रहो। अभी शहर में बिल्कुल सुनसान है, देख सकते हो बिल्कुल अभी तक कोई नहीं उठा, सभी सो रहा है, ऐसा ही है। तो चलो ज़्यादा बात ना करके चलते हैं अमती यूनिवर्सिटी। अभी स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, अभी 6:30 हुए हैं, तो देख सकते हो अभी बिल्कुल सुनसान है। ये आई थिंक कोई स्पोर्ट्स क्लब है यहाँ पर। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ शोधपुर स्टेशन में। शोधपुर स्टेशन से मैं सीधा सियालदा जाऊंगा एंड सियालदा से लेकर वहाँ पर सियालदा मेट्रो से लेकर मैं अमती यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ से जो स्टेशन का जो टिकट होता है वो 5 रुपया होता है, शोधपुर से सियालदा ज़्यादा नहीं होता। तो बेसिकली तो मैंने सोच रहा था कि मुझे 7 बजे के जो ट्रेन है वो मिल जाएगा, बट उससे पहले का जो ट्रेन है, जो 6:30 बजे का जो ट्रेन है, वो ट्रेन लेट आया था, इसलिए मुझे वो ट्रेन मिल गया। इसीलिए वो ट्रेन 6:40 तक आया, तो मुझे उस ट्रेन मिल गया एंड देन उस ट्रेन के बाद मैं सियालदा जाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ सियालदा पर। बेसिकली आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज दिखाने वाला हूँ, इसके लिए वीडियो के साथ ज़रूर बने रहो। ये सियालदा स्टेशन है, सियालदा स्टेशन में उतरने के बाद यहाँ से सीधा सियालदा मेट्रो की तरफ जाना होगा जो बहुत ही हाल ही में ही तैयार हुआ है। सियालदा मेट्रो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही वेल इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया गया है। सियालदा मेट्रो से आप लोगों को सीधा मेट्रो लेना पड़ेगा सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। तो यहाँ पर जो टिकट होता है मेट्रो का वो 20 रुपीज़ है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, 50, 100 ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली कोलकाता का हर एक ट्रांसपोर्टेशन, फूड का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में है इंडिया के दूसरे कंपेयर टू दूसरे जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ के नज़रिया से। तो यहाँ पर बिल्कुल बंगाली आना सब कुछ आर्ट वगैरह है, दुर्गा पूजा का आर्ट है यहाँ पर, देख सकते हो। मेट्रो स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से सजाया गया है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन में, जैसा कि मैंने बताया, आपको सेक्टर 5 का टिकट लेना होगा सेक्टर 5 में। तो वहाँ से आप सेक्टर 5 से लेकर कब आगे जाकर क्या करोगे तो सब कुछ वीडियो में है। मैंने मेट्रो में उठ गया एंड उसके बाद मेट्रो से आपको पूरा एक कोलकाता का बहुत ही खूबसूरत नज़रिया दिखाई देगा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों तरफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़रिया है। यहाँ पर मेट्रो बहुत ही ज़्यादा वेल फैसिलिटी से, मेट्रो में अगर आप पहली बार मेट्रो में उठे हो तो मेट्रो में सब कुछ वेल फैसिलिटी से, जहाँ पर मेट्रो में सब कुछ लिखा आएगा कि कहाँ पर जाना होगा, कौन सा स्टेशन के बाद कौन सा स्टेशन है, मेट्रो में कहाँ पर ट्रेन मेट्रो अभी पहुंच रहा है, तो सब कुछ मेट्रो में दिया हुआ है। देख सकते हो कोलकाता का बहुत ही एक ब्यूटीफुल लुक, आगे भी बहुत सुंदर लुक है कोलकाता का। न्यू टाउन, बहुत ही एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी है, न्यू सिटी है, स्मार्ट सिटी है इंडिया का कोलकाता के जो न्यू टाउन है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू आप लोग देख सकते हो मेट्रो में। मेट्रो से उतरने के बाद फिर से मेट्रो के जो हर तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही वेल इंक्लूड है, यहाँ पर आर्ट वगैरह है मेट्रो से। मेट्रो से उतरने के बाद आपको सीधा बस स्टॉप पर जाना होगा, जहाँ पर बस लेकर आप लोगों को जाना पड़ेगा नारकेल बागान। नारकेल बागान का मतलब होता है जहाँ पर विश्व बंगला गेट है कोलकाता का, जो विश्व बंगला गेट है बहुत ही ज़्यादा फेमस गेट है। अगर आप मेट्रो से उतरने के बाद किस तरफ बस मिलता है आपको नहीं पता, तो सब कुछ पोस्टर में लगा हुआ है, पोस्टर में लिखा हुआ है। अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप किसी भी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पर, किसी भी लोग से पूछ सकते हो। अभी मैं बस पर हूँ, बस से उतरने के बाद मैं विश्व बांग्ला गेट से एक ऑटो लिया एंड ऑटो लेने के बाद मैं अमती यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ। ऑटो में आपको 20 रुपीज़ लगेगा एंड बस में आपको 15 रुपीज़ लगेगा।
बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही वेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी है। वहाँ दूर में देख सकते हो अमती यूनिवर्सिटी, मैं पहुँच ही गया अमती यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो रोड्स है बहुत ही क्लीन है और दोनों तरफ एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये तो कुछ नहीं, अगर आप अमती यूनिवर्सिटी को देखोगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, आप वीडियो के साथ बने रहो, जहाँ पर अमती यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक दिखेगा। ये अमती यूनिवर्सिटी की बिल्कुल फ्रंट का लुक है, अमती यूनिवर्सिटी का ए इंजीनियरिंग बिल्डिंग है। अमती यूनिवर्सिटी के अंदर फैशन डिपार्टमेंट है और काफ़ी सारे जो दूसरे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है वो सब कुछ अमती यूनिवर्सिटी के अंदर है। आज मौसम थोड़ा सा बादल छाया हुआ है आकाश पर, बट कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा, बिकॉज़ कोलकाता का जो मौसम है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है कोलकाता में। आई एम जस्ट स्टैंडिंग हेयर टू अमती यूनिवर्सिटी कोलकाता, आप पीछे ही देख सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं सुबह बजकर मैंने अमती यूनिवर्सिटी के लिए मैं आ गया था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर एक स्टूडेंट के साथ भी मेरा बात हुआ, तो फैकल्टीज़ वगैरह उसके साथ साथ जो होता है प्लेसमेंट्स, फैकल्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट वॉज़ गुड। तो अगर आप चाहो तो अमती यूनिवर्सिटी एक बार विज़िट कर सकते हो। देन आफ्टर अमती यूनिवर्सिटी, मैं अमती यूनिवर्सिटी के जाने के बाद वहाँ के फैकल्टी के साथ मेरा क्या बात हुआ, मैं ज़रूर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ का व्यू। ये जस्ट अमती यूनिवर्सिटी के सामने एक स्टोर है, वहाँ पर खाने का स्टोर है, वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है, बट इट वॉज़ ओके, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या है, फैकल्टी से बात क्या होता है मेरा, देन मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट अमती यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से पहले कुछ खा लूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने सुबह उठा गया था और कॉफ़ी खाकर निकल गया था, कुछ नहीं खाया। तो ये जो है, ये थोड़ा सा खाने के बाद मैं अमती यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊँगा। ये अमती यूनिवर्सिटी का बिल्कुल फ्रंट है, देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं क्या बताऊँ, मुझे भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एक कोर्स करना है आगे जाकर, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मुझे भी और भी ज़्यादा एडुकेशन लेना है। तो अमती यूनिवर्सिटी देखने के बाद मेरा चेंजिंग हो गया माइंड, मैं एक दूसरे कॉलेज सोच रहा था, बट अमती यूनिवर्सिटी देखने के बाद ये कॉलेज मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। बेसिकली इतना अच्छा लगने का कारण भी है, अमती यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, किसी को भी हैरान कर देगा, इतना ज़्यादा खूबसूरत है अमती यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग भी देख सकते हो वीडियो पर, मैं हर एक जगह पर अमती यूनिवर्सिटी गया था, बट फैशन डिपार्टमेंट जो है, फैशन का जो हॉस्टल्स है, वहाँ पर मैं नहीं गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसीलिए, क्योंकि मुझे और भी काफ़ी सारे जगह पर जाना है। इसीलिए देख सकते हो एक एयरपोर्ट टाइप लुक है अमती यूनिवर्सिटी का, जो फ्रंट का जो लुक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अमती यूनिवर्सिटी कोलकाता का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, सफाई भी पूरी तरीके से यहाँ पर चलता है। तो मैं अभी सीधा जा रहा हूँ रिसेप्शन हॉल की तरह, जहाँ पर मैं अमती यूनिवर्सिटी कॉलेज अथॉरिटी से बात करूँगा फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, इंजीनियरिंग कोर्स, लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज सीखने का कोर्स, इकोनॉमिक, मैनेजमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, PhD प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स आफ्टर ग्रेजुएशन है, प्रोग्राम्स आफ्टर 10th और 12th है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी है एंड काफ़ी सारे मेनी मोर्स जो कोर्स है। तो यहाँ पर अमती यूनिवर्सिटी में अगर आप आना चाहते हो, जैसा कि मैंने जिस लोकेशन से बताया, अगर आप शोधपुर से नहीं आना चाहते, आप डायरेक्ट श्यालदा से स्टार्ट करो, बिकॉज श्यालदा एक मेन ब्रांच है ट्रेन का, तो वहाँ से आप स्टार्ट करो,
देन अगर आप इस वीडियो देखने के बाद आप पूरा एड्रेस जो लिख लोगे या पूरा एड्रेस नोट कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अमती यूनिवर्सिटी का रिसेप्शन हॉल है जहाँ पर सारे इंक्वायरी वगैरह होता है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि जो इंक्वायरी जहाँ पर होगा जो मैम है, तो मैम ने कहा कि थोड़ा सा बैठो देन उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि उन लोगों का भी ऑफिशियल काम होता है। अभी सुबह के टाइम में स्टूडेंट्स भी आ रहा है। 2000 years later. तो मेरे यहाँ के फैकल्टी से बात हो गया जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर डिज़ाइनिंग में काफ़ी सारे कोर्स है, मैंने अलग से अमती यूनिवर्सिटी कोर्स के ऊपर वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो गाइज़ फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू टॉक टू मी डायरेक्टली देन मैसेज मी माई इंस्टाग्राम आईडी। मैंने आप लोगों को पूरा अमती यूनिवर्सिटी टूर करवा दिया जैसे कि मैंने बताया था। टेक केयर गाइज़।